लेकिन क्या करें, ये निज़ाम भैया जहाँ जहाँ सरकारी चलाती हैं, स्कूल हो, अस्पताल हो, वहाँ पर पैसे तो कम लगते हैं लेकिन थोड़ा सभी भी होना चाहिए। क्योंकि सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकती, प्राइवेट स्कूल वालों का आपका वही थोड़ा ज़्यादा होता है। एक बार ये सिलसिला और एक अच्छा निज़ाम बन जाए, फिर उस निज़ाम के अंदर में तब्दीलियाँ आएंगी तो ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा देर तक के लिए होता है। आप लोगों ने, आपकी फैमिलीज ने, आपके रिश्तेदारों ने जिस तरह की तकलीफों का हो गया, मुझे उसका इल्म है। इस एरिया में आने का मैंने पहले भी यहाँ भी नौकरी की है, जम्मू कश्मीर एरिया के अंदर। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल ने अपना डेरा डाला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो फुटेज वहां से आए हैं, जो वीडियो वहां से आए हैं, वो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर सकते हैं और उन्हें गर्व हो सकता है अपने एनएसए पर, अपने गृह मंत्री पर और अपने प्रधानमंत्री पर। धारा 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद और आज उसका पूरी तरह लागू हो जाने के बाद, जैसा कि लोगों को लग रहा था कि कश्मीर के हालात कुछ दिनों तक सामान्य नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब जो वीडियो सामने आए हैं अजीत डोभाल के, दो वीडियो सामने आए हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि वहाँ सामान्य हालात हो चुके हैं। एक वीडियो में अजीत डोभाल एक खोमचे की दुकान से शायद वेज बिरयानी या जो कुछ भी है, चावल वगैरह लेकर लोगों के साथ खाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरे वीडियो में वो गलियों में शोपियाँ, जो कि दक्षिण कश्मीर का वो ज़िला है जहां पर आतंकवाद की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती रही हैं। शोपियाँ हो या पहलगाम हो या बारामूला, ये ज़िले बदनाम रहे आतंकवाद के लिए, लेकिन उन्हीं गलियों में एनएसए अजीत डोभाल बगैर किसी सिक्योरिटी पर्सनल के साथ खड़े हुए, अकेले खड़े हैं पब्लिक के बीच में, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि कश्मीर अब बदल चुका है। अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में उनको भेजा गया, जैसे ही 370 और 35 हटने का आदेश जारी हुआ राष्ट्रपति की तरफ से, शाम को वो यहाँ से गए और उसके बाद उन्होंने 5 तरीके के लोगों से मीटिंगें की। पहले वो मिलते हैं राज्यपाल से, उनसे सारी जानकारी लेते हैं, उन्हें जो ऊपर से गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के जो निर्देश थे वो बताते हैं। उसके बाद वो सिक्योरिटी पर्सनल से मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से मिलते हैं, फिर वो जाते हैं सेना के बीच में, जो सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य सिपाही हैं, उनके साथ भी बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, अर्धसैनिक बलों से मिलते हैं, सिक्योरिटी पे बात करते हैं। उसके बाद वो मिलते हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस से और बताते हैं कि देखो, आप भी खाकी में हो, मुझे पता है, मैं 50 साल पहले खाकी में ही था और मैं जानता हूँ कि किस तरीके की परेशानियाँ खाकी वालों को झेलनी पड़ती हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी होते हैं वो अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। बाकी जगह पर सिपाहियों को लड़ने भेजा जाता है, छोटी रैंक वालों को लड़ने भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी भी आपके साथ होते हैं। उन्होंने उनका हालचाल पूछा और कहा कि देखिए, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी भारत के अन्य हिस्सों की तरह पुलिस के जवान हैं और ये आपकी जो पुलिस है वो सैनिक के रूप में लड़ती रही है, अब आगे आपकी चिंता हम करेंगे। और उसके बाद वो शोपियाँ जाते हैं, शोपियाँ की गलियों में बुजुर्गों से, जवानों से, सभी से बात करते हैं और बात करते करते उन लोगों को एक जगह चलते चलते उन्हें चाय की ठेली और वहाँ पर ही एक खाना खाने का भी दुकान दिखती है और वो उन सभी लोगों को खाना खिलाते हैं और खुद भी उनके साथ खड़े होकर और बाद में बैठ कर खाना खाते हैं और चर्चा करते हैं उन सभी हालात के ऊपर जिसको लेकर पूरे भारत की निगाहें हैं, पूरे विश्व की निगाहें हैं। और उन्होंने अपने इस एक्शन के द्वारा, कुछ लोग होते हैं अपनी बातों के द्वारा चीज़ों को बताते हैं, लेकिन अजीत डोभाल ने अपने एक्शन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा बता दिया है कि कश्मीर के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, सामान्य हो चुके हैं। ये जो दो वीडियो आए हैं जिनमें वो गलियों में लोगों से बात कर रहे हैं और फिर बाद में कुछ दुकानों के पास जाके, दुकान के पास जाके वो 10-12 कश्मीरियों के बीच में बैठ के खाना खाते हैं, उससे स्पष्ट है कि वहाँ जो स्थितियाँ हैं वो पूरी तरीके से भारतीय हो चुकी हैं। अब वहाँ पर कोई अलगाववादी
जैसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिसका कि सुबह से ही आगाज़ हो गया था। जम्मू कश्मीर के झंडे सरकारी इमारतों से हटने लगे थे और जो निर्मल सिंह थे उन्होंने भी अपनी गाड़ी से उसका झंडा उखाड़ दिया था। और उसके बाद जो और भी वीडियो कुछ आए हैं सामने, जिसमें एक नॉर्थ कश्मीर के कुछ युवा बैठे हुए हैं जंगल में और वो बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारत की जो सरकार है, दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, वो उनकी रक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो निर्णय ले रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो उनके हित में है। दूसरा एक वीडियो साउथ कश्मीर से है, वहाँ भी कुछ लोग हैं, एक गांव के अंदर हैं, वहाँ दुकानें खुली हुई हैं, लोग आसानी से ख़रीदारी कर रहे हैं, हंसते खेलते जा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भारत पूरा हमारे साथ है और हम भारत के हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो एक मास्टर स्ट्रोक अजीत डोभाल ने चला है, यानी कि फ्रंट पर रहकर एक सिपाही की तरह से अब जब जनरल लड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका असर भी पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको भेजा ही इसलिए था कि वो जाएं और जम्मू कश्मीर की स्थिति को पूरी तरह बदलने में अपना योगदान दें। ये वही अजीत डोभाल हैं जो पाकिस्तान में भी रहे 7 साल और वहाँ उन्होंने रहते हुए भारत की सेवा की। उसके बाद उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं दी, जम्मू कश्मीर की नीति हो या फिर अभी जो 370 और 35 हटाने का मामला हो, इसमें भी उनकी बड़ी भूमिका है। और ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से योजना बनाई गई, बड़े स्तर पर बनाई गई, गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले पिछली बार इसको लाना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों से जनवरी में ये मामला नहीं हो पाया, और उसके बाद अब जब गृह मंत्री बने अमित शाह तो उन्होंने इसको अच्छी तरीके से और आगे ले जाने के लिए और इसमें शीघ्रता भी दिखाई गई। और सरकार ने ये कहने की कोशिश की कि हमने जो वायदे किए थे हम उन्हें पूरा करने के लिए पूरे 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। अभी भारत के नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार को बने हुए केवल 70 दिन बीते हैं और 70 दिन के अंदर इतने बड़े फैसले ले लिए गए। और उन फैसलों के बाद जैसा कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या फिर गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों द्वारा या वामपंथियों द्वारा जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि ये सब होने के बाद कश्मीर में उपद्रव होंगे, वहाँ पर लोग भड़क जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, उसको भी निर्मूल साबित कर दिया अजीत डोभाल ने। और उन्होंने दिखा दिया कि कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह से भारत का ही एक अंग है और भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही राज्य है, वहाँ के लोगों के अंदर भी भारतीयता है और वो भारतीयता का कितना सम्मान करते हैं वो इसमें देखा जा सकता है। कोई वजह नहीं है, आपने देखा होगा पुलिस अधिकारी भी होता है तो 2-4 सिपाहियों के साथ खड़ा होता है, तब लोगों से बात करता है, उसको डर रहता है कि कहीं ये लोग मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई न कर दें, मेरे ऊपर हाथ न छोड़ दें। लेकिन अजीत डोभाल को देखकर, उनको बातचीत करते हुए देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों के प्रति उनके अंदर कोई संदेह है और ना ही ये लगता है कि लोगों में उनके प्रति कोई गुस्सा है, जबकि सबको पता है कि अजीत डोभाल एक कैबिनेट रैंक की स्थिति रखते हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रैंक की स्थिति रखते हैं और NSA है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोगों में उनके प्रति गुस्सा होता, सरकार के प्रति कोई गुस्सा होता तो वो देखने को भी मिलता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस से बात की, उन्होंने सेना से बात की, उन्होंने अधिकारियों से बात की और उन्होंने राज्यपाल और वर्तमान के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी बात की। तो निश्चित तौर पर जो सामंजस्य बनाने के लिए उन्हें भेजा गया था, ऐसा लगता है कि वो उसको अच्छी तरीके से बनाने में और बिठाने में कामयाब हो रहे हैं और स्थितियां बहुत जल्दी बदलेंगी, इसका विश्वास हम इन बातों को देखकर कर सकते हैं। क्योंकि आज ये जो खबर आई है वो एक बहुत बड़ी खबर है कि ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला कि इतने बड़े स्तर का कोई अधिकारी जनता के बीच जाकर उसके सुख दुख को जान रहा है, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहा है और उनके साथ इस तरीके से वन टू वन बात भी कर रहा है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार की यही नीति रही है कि जो सरकार है वो गरीबों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। और आज ये दिखाने की कोशिश भी की और बाकायदा दिखाया भी गया कि जनता और सरकार के बीच में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वहाँ पर गृह मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गए हैं, मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पर गए हैं
और आज सीधे संवाद कर रहे जनता से, जनता की भाषा में, क्योंकि अजीत डोभाल को उर्दू भी आती है, अरेबिक भी आती है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कश्मीरी आम जनता से बात करने में, उनके साथ खान पान करने में या फिर उनके साथ में घूमने फिरने में। और ये एक अच्छा जेस्चर है, अच्छी एक दृश्य पैदा होता है, जिसके बाद भारत सरकार और जो अन्य अधिकारी हैं उन्हें भी ये मौका मिलेगा, वो भी इससे सीख ले पाएंगे कि वहाँ जब वो जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे, चाहे वो आईएएस हों या आईपीएस हों, वो भी इससे सीख लेंगे कि वहाँ पर उनको किस तरीके से जनता से सीधे संवाद के द्वारा चीज़ों को सुलझाना है, स्थितियों को सामान्य की तरफ ले जाना है और सामान्य से बेहतर की तरफ ले जाना है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक था वो कामयाब रहा, और उसकी कामयाबी इतनी जल्दी आ जाएगी, इतनी जल्दी ऐसा संभव हो पाएगा, ये भी कम ही लोगों को उम्मीद थी। और जैसा कि विपक्षियों ने कहा था कि हमारी जो दूर दूर तक की कल्पनाएं थी उनमें भी ये नहीं था कि ये सरकार इतनी आसानी से 370 को हटा देगी और बाइफर्केशन यानी कि दो भागों में जम्मू कश्मीर को कर देगी। हमें तो दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा था, हम तो ये मान के चल रहे थे कि शायद 35A हटाने की बात हो रही है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक फैसले करने के लिए जाना जाता है और उनकी जो पूरी टीम है जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं, वो निश्चित तौर पर देश के लिए बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं वो जनता के द्वारा उसको बहुमत मिला हुआ है, और बहुमत से चलने वाली सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। जय हिंद, जय भारत।